हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल काम हम सोचते हैं आसान तरीके से कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे आपको तवे को रख देना है और हल्का सा गर्म होने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए प्याज। तो यहाँ पे आपको प्याज को छीलना नहीं है, बस प्याज की पतली स्लाइसेस करने, बहुत ज़्यादा पतली स्लाइस नहीं करनी है। बस करीबन इतनी बड़ी प्याज के आपको 4 से 5 पीस करने हैं। तो बहुत ही यूज़फुल नुस्खा है, घरेलू रेमेडी है जो बहुत ही काम आएगी। और ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो बहुत ही अच्छे से वर्क भी करते हैं और फ़ायदा भी बहुत पहुँचाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा जैसे ही तवा गर्म होता है तो यहाँ पर जितनी भी प्याज की स्लाइसेस हम लोगों ने करी है ना, आपको इस तवे के ऊपर रख देना है। थोड़ा सा देखना है कि प्याज हल्का सा रेडनेस आती है प्याज में, तो आप इस तरह से उनको थोड़ी देर पलट लीजिए ताकि दोनों तरफ अच्छे से प्याज सिक जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साइड पलटने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ले लेनी है विक्स। आपने देखा होगा सर्दी जुकाम में हम लोग विक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक अलग से यूज़ मैं बताऊँगी कि प्याज में आप विक्स लगाकर कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको विक्स लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। और जो प्याज हम लोगों ने पलटी है ना, जिस तरफ एक साइड सिक गई है, बस उसी के ऊपर थोड़ी सी विक्स आपको सब में लगा देना है। तो यहाँ पे करीबन 3 पीस में मैंने लगाई है। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे तवा अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप केयरफुल होकर करिएगा। और ये हम लोगों का बन करके तैयार है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। इससे आप अपनी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा होता है, आपको तवे से निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है। यहाँ पे देखिए, रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। आपने देखा होगा सर्दी का मौसम चल रहा है, मतलब बरसात का, तो क्या होता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, कान के पास वाले एरिया में इस तरह से गांठें पड़ जाती हैं, दर्द होता है, कान के अंदर भी काफ़ी दर्द होता है। और या तो फिर किसी तरह से पानी कान में जब चला जाता है ना, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस आपको इसको यूज़ करना है इस तरह से, प्याज हल्की गुनगुनी हो जितना सह सकता है बच्चा या घर का कोई भी बड़ा, तो आपको इस तरह से प्याज से हल्की हल्की सिकाई करनी है। देखिए विक्स से बहुत ज़्यादा आराम मिलती है, लेकिन जो प्याज में ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुड़ होते हैं जिससे ये प्रॉब्लम जो सूजन है और जो दर्द हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, ये काम आप बच्चों के ऊपर भी कर सकती हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप चाहे तो किसी कपड़े से बांध दें, आप थोड़ी देर इसको ऐसे रहने दीजिए, आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो कान में दर्द होगा वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। टैबलेट भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो पहले आप इस ट्रिक का यूज़ करिए, अगर इससे आराम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही थोड़ी देर सिकाई होती है, उसके बाद आप इसको हटा करके रख दीजिए, ये सूजन और दर्द पूरी तरह से चले जाएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से टी शर्ट को लेकर के, वैसे तो हम लोग महंगे कपड़े लाएं चाहे जैसे भी लाएं, तो आपने देखा अगर जो महंगे कपड़े होते हैं उनमें भी इस तरह से रोए निकल जाते हैं, जो गंदे लगते हैं देखने में, और कुछ समय बाद हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, पहनते भी नहीं है। तो इसको कैसे निकाले, जितने भी रोए हैं पूरी तरह से निकल जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, आपको कोई भी छोटी बॉटल ले लेनी है और इस तरह से चौड़ा वाला टेप ले लीजिए। अगर चौड़ा वाला टेप होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको इस तरह से बॉटल में बस एक बार लपेटना है, मतलब जो स्टिकी पार्ट होता है ना, आपको उसको ऊपर रखना है, बस इस तरह से बॉटल में लगाना है और हाथों से पकड़ लेना है। देखिए चपकेगा तो नहीं, क्योंकि स्टिकी पार्ट हम लोग ने ऊपर रखा है। बस आपको टी शर्ट या जहाँ भी बाह में या कॉलर में जहाँ भी आपको ज़्यादा रोए दिखते हैं ना, बस इस तरह से आपको करना है। इस तरह से जब हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगी ना, तो जितने भी इसमें रोए निकले होंगे वो सारे स्टेप में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जो टी शर्ट है या कोई भी बच्चों की शर्ट वगैरह है जिसमें रोए निकला है, तो ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो आपको जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रोए लग रहे हैं, बस इस ट्रिक का यूज़ करिए। यहाँ पे देखिए, मैं कॉलर में थोड़ा थोड़ा मुझे रोए लग रहे थे, तो मैंने इस तरह से टेप की हेल्प से जितना भी निकाल लिए, जिसके आपको थोड़ा थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, हल्का हल्का यहाँ पे रोए थे, जितने भी सारे टेप में चिपक गए। तो बस बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में आप पूरे रोए शर्ट की हटा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे गैस को लेकर के, आपने देखा होगा गैस कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद इसकी साइड से जो आँच निकलने लगती है, हम लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से महीने में गैस खर्च बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो अगर आपकी गैस में ये प्रॉब्लम है, अगर साइड से थोड़ी थोड़ी आँच निकल रही है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आँच निकल रही है तो आपको बर्नल चेंज करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी आँच निकलने पर बर्नल को चेंज कर लेते, काफी पैसा भी खर्च होता है। तो आप इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, आप यहाँ पे साबुन को ले लीजिए, कोई भी साबुन आप ले लीजिए, कपड़े धोने वाला नहीं चाहिए, नहाने वाला चाहिए। आपको क्या करिए, जो भी नहाने वाले साबुन को आपको इस तरह से ऊपर वाले पार्ट में
बर्नल के नीचे वाले पार्ट में हल्का हल्का लगा देना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सेट कर देना और करीबन 10 या 15 मिनट के लिए बिल्कुल भी आपको गैस को नहीं जलाना है, बस इस तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ये अच्छे से सूख गया है। जैसे ही आप गैस जलाएंगे, किसी प्रकार से खाना बनाते हैं, तो ये हल्का सा मेल्ट होगा और बहुत ही अच्छे से इसको लॉक कर देगा, गैस बिल्कुल भी साइड से नहीं निकलेगी। अगर आप इस आपकी गैस में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा महीने में गैस खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इस ट्रिक यूज करेंगी तो इससे गैस खर्च कम आएगा, तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप यहाँ पे देखिए सिलेंडर को लेकर के, आखिर सिलेंडर पे लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए करीबन 2 से 3 कली आपको लहसुन की लेना है। आपकी रोज होने वाली समस्या, ये बरसात में बहुत ज्यादा समस्या ये होती है, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए करीबन 3 कलियां मैंने लहसुन की निकाल ली है। अब इसको क्या करना है, आपको हल्का किसी कुटनी से मतलब कूट लेना है, हल्का सा पेस्ट नहीं बनाना, मतलब अच्छे से पिस जाए। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे 2 चीजें हम लोग और ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही पावरफुल बना देंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से लहसुन को आप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सिंपल वाला जो हम लोग खाने में करते हैं, सफेद नमक डालने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, तीनों चीजों को मिक्स कर देना है। ये पावरफुल बनकर के तैयार हो गया। इसका यूज कैसे करेंगे, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे कॉकरोच होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हम लोग के सिलेंडर में जगह बना लेते हैं। कॉकरोच अंदर छेद से घुस जाते हैं अंदर जाकर के, और फिर क्या होता है वो अंडे देते हैं ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा जाते हैं। आपने देखा छोटे छोटे छिपली के बच्चे भी बरसात में बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी सिलेंडर के यहाँ से अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जगह बना लेते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो आप इस ट्रिक का यूज करिए। यहाँ पे इस तरह से जो पेस्ट हम लोग ने बनाया है आपको हर होल में अच्छे से लगाना है, थोड़ा सा अंदर भी डाल देना है, जहाँ पे भी आप सिलेंडर को रखते हैं, चाहे वो खाली हो या भरा हुआ। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे कॉकरोच होंगे या छिपली के बच्चे, कीड़े मकोड़े जो बरसात के टाइम रात के समय ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी आसपास नहीं भटकेंगे, वो आपके किचन में भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से जब होल में हर तरह से आप यहाँ पे लहसुन लगा देंगी, तो अगर कीड़े अंदर होंगे, छोटे मोटे अंडे होंगे, तो वो मर जाएंगे, और बाहर के जो छोटे मोटे कॉकरोच है उसके अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, यूजफुल टिप है। अगली टिप मेरी यहाँ पे शीशे को लेकर, देखिए इस तरह से बहुत से लोग हाथ में शीशा लेकर भी इस्तेमाल करते हैं ड्रेसिंग टेबल के अलावा, तो आपने देखा होगा इस तरह से स्पॉट्स इस तरह से शीशे में पड़ जाते हैं। तो होता क्या है, इसके बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है शीशा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा गीला कपड़ा करते हैं, पोंछ लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से शाइन नहीं आती, मतलब शीशा उतने से साफ नहीं होता और ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो अगर आप भी शीशा इस तरह से इस्तेमाल करती हैं हाथ वाला, उसको क्लीन कर करने का सिंपल तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे लेना है परफ्यूम, तो यहाँ पे आप एक्सपायरी परफ्यूम का भी यूज़ कर सकती हैं। करीबन 3 से 4 बार आपको स्प्रे हल्का सा करना है, बस एक टिश्यू पेपर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ मत करिएगा, ना कोई अदर कपड़ा, आप अगर टिश्यू पेपर हो तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अभी फिर, या फिर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया, अच्छे से मैंने रगड़ के साफ कर दिया। शीशा देखिए कितने अच्छे से चमचमाने लगा है। तो आपके घर में जहाँ भी वाश बेसिन वाला शीशा हो या ड्रेसिंग टेबल शीशा हो, तो अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पड़ गए, तो आप यहाँ पे हल्का सा स्प्रे करेंगी ना परफ्यूम का, तो आप देखेंगी कि जो शीशा है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा मेहनत कि शीशे को बार बार रगड़ना पड़े, अच्छे से साफ करना पड़े। सिंपल सा आइडिया, ट्राई जरूर करके देखिएगा। यहीं पे वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।